हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। हम आपको आज बताएंगे पाइलिंग के बारे में, क्या क्या स्टेप होते हैं पाइलिंग में। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद वीडियोस को देखें। जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो आज हम बताएंगे आपको पाइलिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, टोटल प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद आपको हम ये आज हम बता रहे हैं आपको थ्योरी, प्रैक्टिकली आपको भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे कैसे होता है साइट पे। अभी आज आपको हम थ्योरी वाइज बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारी पाइलिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारा जो बोर किया जाता है, बोर हमारा हाइड्रोलिक रिग के द्वारा होता है। हाइड्रोलिक रिग जो मशीन होती है उससे हम बोर कर लेते हैं। बोर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट बोर क्या क्या हमारे प्रोसेस होते हैं, और जो भी हमारा बोर होता है उसमें हम जो हमारा पानी इसमें चलता है, जो हम उसमें हम बेंटोनाइट मिक्स करके चलाते हैं, तो बेंटोनाइट डाला जाता है बोर में ताकि हमारा जो भी बोर है वो कोलैप्स ना हो। तो बोर कोलैप्स ना होने के लिए हमारा कंटिन्यू बोरिंग के वक्त, अगर हम बोर कर रहे हैं तो कंटिन्यू उसमें हमारा बेंटोनाइट चलता रहता है। तो बेंटोनाइट जो होता है वो उसकी हम डेंसिटी चेक कर लेते हैं, उस डेंसिटी के हिसाब से हम, वो भी हम आपको बताएंगे डेंसिटी कैसे चेक करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कितना डेंसिटी होनी चाहिए, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम। तो वो हम जो हमारा बोर है उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर के वक्त जब हम बोर स्टार्ट करते हैं करना, तो बोर में जो हमारा 6 मीटर बोर करने के बाद उसमें हम एक केसिंग पंच कर देते हैं। ठीक, 6 मीटर की केसिंग होती है, उस केसिंग को हम पंच कर देते हैं। केसिंग को पंच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ऊपर का जो सॉइल स्ट्रेटा होता है वो होता है हमारा बहुत ही मजबूत होता नहीं है, ढीला होता है। तो वो मजबूत ना होने की वजह से क्या होता है, ऊपर का जो हमारा चांस ज्यादा कोलैप्स होने का चांस ज्यादा रहता है। ऊपर के 6 मीटर में जो भी हमारा सॉइल स्ट्रेटा रहता है वो कोलैप्स जल्दी होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 6 मीटर तक केसिंग पंच कर देते हैं। केसिंग डालने के बाद उसके बाद हम टोटल बोर हम 20 मीटर 22 मीटर 25 मीटर जितने भी बोर हमको करना है हम करते हैं। तो 6 मीटर तक हमारा केसिंग पंच रहती है। तो केसिंग पंच करने के बाद हम बोर कंप्लीट कर दिए। बोर कंप्लीट होने के बाद जो हमारा पहला प्रोसेस है, पहला पॉइंट क्या होता है, हम उसकी बोर लेंथ चेक करते हैं। क्योंकि हमको अगर हमको 22 मीटर चाहिए बोर, तो हमको पता करना होगा ना कि हमारा बोर जो अगर बोल दिया जो भी ऑपरेटर है कि हमारा बोर कंप्लीट हो गया, तो हम उसको पहले चेक करेंगे कि क्या हमारी बोर लेंथ हमको जितनी चाहिए 22 मीटर 700 22 मीटर 800 23 मीटर 24 मीटर जो भी चाहिए, क्या उतनी एग्जैक्ट है कि नहीं। तो एक चैन होता है, उस चैन के द्वारा हम उसमें क्या करते हैं, चैन के जो कॉर्नर पोर्शन पे होता है वहां पे स्टील का हार्ड हैवी वेट रहता है, उसको हम लगाए रहते हैं, उसको हम चैन के द्वारा नीचे डालते हैं। नीचे बोर में डालने के बाद जो भी है फिर उसको हम धीरे धीरे हल्के हल्के उठाते हैं, जहां भी हमारा टाइट पता चलेगा, टाइट हो गया, स्ट्रेट हो जाएगा जो नीचे वाला जो हैवी है, तो वहां पता चलता है कि हमारी बोर लेंथ वहीं पे है। उसको हम बाहर निकालते हैं चैन, और चैन को बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, टेप से नाप करते हैं, नापी करते हैं कि कितना हमारा बोर हुआ था। तो चैन से हम बोर लेंथ चेक कर लेते हैं। बोर लेंथ जैसे ही चेक करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, फ्लशिंग पाइप प्लेस करते हैं। फर्स्ट फ्लशिंग हमको स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो हम फ्लशिंग पाइप इसमें डालते हैं। फ्लशिंग पाइप, अब हमारा रिग का काम क्या था, हमारा बोर करना, बोर करके रिग हमारा साइड हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्रेन आएगा, क्रेन से हम फ्लशिंग पाइप को उठाते हैं। फ्लशिंग पाइप हमारा कितना लंबा होना चाहिए, जितनी भी बोर लेंथ है हमारा 22 मीटर 23 मीटर जो भी हमारा बोर लेंथ रहता है, तो हमारा कम से कम 22 मीटर तक करीब फ्लशिंग पाइप भी होना चाहिए। और फ्लशिंग पाइप जो हमारा केसिंग से रहता है, केसिंग से करीब 400-500 ऊपर होता है, तो उतना लंबा हमारा फ्लशिंग पाइप चाहिए हमको 22 मीटर का। फ्लशिंग पाइप को अंदर डालने के बाद हम फ्लशिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फ्लशिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम डेंसिटी चेक करते हैं, वो हम आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे कि डेंसिटी कितनी आएगी, तो फर्स्ट फ्लशिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकेंड फ्लशिंग कैसे करेंगे, वो सब हम आपको डेंसिटी बाद में बताएंगे। पहले ये हम बताते हैं यार प्रोसेस क्या क्या होता है। फर्स्ट फ्लशिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फर्स्ट फ्लशिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हमारा है केज डालते हैं, उसमें केज लोडिंग, मतलब हम अब केज उठाते हैं। तो क्रेन से ही केज उठा के हम बोर में प्लेस करेंगे। पहले फ्लशिंग पाइप निकाल लेंगे, फ्लशिंग पाइप निकालने के बाद हम केज को अंदर डालते हैं। तो
तो केज को डालने से पहले हम केज का क्या क्या चेक करते हैं वो आप देखिए लिखा है चेकिंग ऑफ केज। केज में जो भी हमारे वेल्डिंग हुई रहती है परफेक्ट है कि नहीं, वेल्डिंग कहीं हिल तो नहीं गई है, टूट तो नहीं गई, निकल तो नहीं गई है, जो भी हम रिंग उसमें है जितनी भी उसमें रिंग बनी रहती है मास्टर रिंग उसको हम क्या करते हैं वेल्ड किए रहते हैं, तो वेल्डिंग चेक करना रहता है। फिर उसमें हमको रिंग की डिस्टेंस जो भी मास्टर रिंग बनी हुई है वो एग्जैक्ट है कि नहीं 1500 पे। हमारा कवर ब्लॉक चेक करना है, कवर ब्लॉक लगा हुआ है कि नहीं तीनों साइड, मतलब हमारा सर्कुलर में केज रहता है तो तीन साइड में कवर ब्लॉक होना चाहिए एक तरफ, तो दो दो मीटर पे कवर ब्लॉक होना चाहिए। तो हर दो दो मीटर पे चेक करें, कवर ब्लॉक नहीं है तो उसको लगवाओ, अगर टूट गया उठाने के वक्त केज को तो उसको हम फिर से लगवाते हैं। तो ये सब केज चेक करते हैं केज को डालने से पहले। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब जब हम डालेंगे इसको तो हमारा क्या है, केज डालने से पहले फर्स्ट फ्लशिंग को भी आधा घंटा टाइम लगता है होने में। तो एक दो घंटा होने में कभी कभी क्या होता है कि हमारा बोर क्या होता है कोलैप्स हो जाता है। तो हम केज को जब प्लेस करेंगे उसके अंदर बोर के अंदर तो केज जाएगा नहीं, नीचे जाने के बाद नहीं जाएगा, अगर कोलैप्स हो गया है तो वो नहीं जाएगा नीचे। तो अगर कोलैप्स हो गया है तो फिर से हम केज को निकाल के फिर से साफ क्लीन करवाते हैं हाइड्रोलिक रिंग से, उसके बाद फिर से प्लेस करते हैं। अगर वो चला गया तो समझिए कोलैप्स नहीं हुआ है बोर। तो बोर को हम कोलैप्स कर बोर के अंदर हम डालेंगे केज, केज अगर सक्सेसफुली चला गया तो बहुत ही अच्छा है, अक्सर चला जाता है। कभी कभी अगर लेट हो गया, 4 घंटा 5 घंटा हो गया बोर कंप्लीट हुए, तो कुछ खराबी आ गई केज डालने में लेट हो गया, तो क्या होता है कि हमारा जो बोर है वो कोलैप्स हो जाता है। तो केज डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा केज का ऊपर वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन पे हम हुक बांधते हैं। अब बताते हैं हुक क्यों बांधते हैं। अब जो हमारा केज है वो केज हमारा टॉप पे तो रहेगा नहीं, केज कहाँ रहेगा, हमारा कट ऑफ लेवल पे। कट ऑफ लेवल मतलब जहां भी हमारा फाउंडेशन रहेगा स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर का फाउंडेशन क्या होता है वो हमारा कट ऑफ लेवल होता है, ठीक है। तो उस कट ऑफ लेवल से 1 मीटर की हाइट पे हमारा केज का अपर पार्ट रहता है। अब इस चीज को समझिए अच्छे से कि जो भी हमारा केज रहता है वो केज कहाँ रहेगा, हमारा जो भी फाउंडेशन है, फाउंडेशन को हम क्या कट ऑफ लेवल बोलते हैं, उसका जो फाउंडेशन का लोअर पार्ट होता है, फाउंडेशन से हमारा 1 मीटर की हाइट पे हमारा केज का टॉप पार्ट रहता है, ठीक। अगर हम मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल से 4 मीटर पे है फाउंडेशन, ठीक, तो हमारा केज कहाँ पे रहेगा, 3 मीटर पे रहेगा, ग्राउंड लेवल से 3 मीटर पे केज रहेगा हमारा। तो उस 3 मीटर पे केज को हमको रोकना है। अगर मान लीजिए हमारी बोरिंग ज्यादा हुई हो गई 200 400, तो क्या होगा, केज डाउन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितना हमको केज रखना है उतना केज का ही, उतनी हाइट का ही एक हुक बनाते हैं। हुक को बनाते हैं, हुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम नीचे आप बनाए हैं हुक कैसा होता है, ठीक है। हुक बना के उसमें हम क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं उतना ही मीटर का, मतलब हमको 3 मीटर चाहिए तो 3 मीटर पे हम वेल्ड कर देंगे और हुक को हम नीचे डालेंगे, मतलब केज को नीचे डाउन करेंगे और हुक को क्या करेंगे, ऊपर जो केसिंग रहता है, हम बोले जाए 6 मीटर पे केसिंग डाला जाता है ऊपर टॉप पे, तो ग्राउंड के टॉप लेवल पे केसिंग रहता है, उस केसिंग में क्या करते हैं हुक को फंसा देते हैं। देखिए फंसाने का है ना हुक में, तो इसको हुक को फंसा देंगे तो वो जो हमारा केज का टॉप लेवल है वो 3 मीटर पे जाके रुक जाएगा, तो वो हमारा फिक्स हो जाता है। इसलिए हम हुक लगाते हैं, हुक को अच्छे से वेल्ड करना पड़ता है केज में, ये तो उतना वेट वो हुक नहीं ले पाएगा अगर हम सिर्फ बांध देंगे तो बाइंडिंग वायर से। तो उसको बाइंडिंग वायर से बांधने के बाद उसको पूरा होल में 1 मीटर 1.5 मीटर में पूरा वेल्ड करना पड़ता है। तो ये हमारा हुक हो गया। अब हम केज को डालने के बाद फिर से अब क्या करेंगे, फिर से फ्लशिंग पाइप डालेंगे। फर्स्ट फ्लशिंग तो कर लिए थे, फिर केज डालें, केज डालने के बाद फिर से फ्लशिंग पाइप डालेंगे सेकेंड फ्लशिंग के लिए। तो सेकेंड फ्लशिंग भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट फ्लशिंग किए थे, इसमें थोड़ा प्रोसेस और रहता है वो हम आपको बताएंगे अलग से वीडियो में। फ्लशिंग पाइप डालें, फ्लशिंग स्टार्ट किए, फ्लशिंग कंप्लीट हो गई हमारी, फिर उसको निकालेंगे फ्लशिंग पाइप को। फ्लशिंग पाइप को निकालने के बाद उसमें हम ट्रीमी पाइप डालते हैं। ट्रीमी पाइप क्या होता है, कंक्रीट करने के लिए हम ट्रीमी पाइप डालते हैं। उसमें हम ट्रीमी पाइप भी उसी लेंथ का रहेगा जितना लेंथ का बोर रहेगा हमारा। ट्रीमी पाइप डालने के बाद उसके ऊपर हॉपर लगा देते हैं, हॉपर लगाएंगे उसी में हम कंक्रीट डालते हैं। उसको हम बंद किए रहते हैं चार्जिंग प्लेट से, चार्जिंग प्लेट लगाए रहते हैं उसमें ऊपर हम कंक्रीट डालते हैं, और उस कंक्रीट को डालने के बाद हम एक झटके से चार्जिंग प्लेट हटाएंगे तो हमारा एक प्रेशर से कंक्रीट नीचे जाता है, जिससे हमारा जितना भी जो भी नीचे सैंड अगर थोड़ा बहुत बचा रहता है तो वो सैंड क्या होगा ऊपर फेंक देगा और कंक्रीट हमारा अच्छे से नीचे फिल हो जाता है। तो ये हम भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे बताएंगे अच्छे से प्रैक्टिकली। तो ये ट्रिमिंग पाइप का रोल होता है।
ट्रिमिंग पाइप से हम कंक्रीट करते हैं। ट्रिमिंग पाइप डालने के बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसको कंक्रीट डाल के जितना भी कंक्रीट हमारा क्वांटिटी लगेगा हम कंक्रीट मंगवा के उसमें हम प्लेस्ड कर देंगे। कंक्रीट डालने के बाद ट्रिमिंग पाइप हम सारा निकाल लेंगे। ट्रिमिंग पाइप निकालने के बाद हम फिर से कंक्रीट लेवल चेक करेंगे। ट्रिमिंग पाइप निकालने से पहले ही, ट्रिमिंग पाइप अभी डला हुआ है, कंक्रीट कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास लेवल होता है उससे हम चेक करते हैं कंक्रीट कहाँ तक हुआ है, क्या केज जहाँ तक हमारा केज डला हुआ है वहाँ तक कंक्रीट पहुँचा या नहीं, तो उसको चेक करते हैं उसका लेवल। लेवल चेक करने के बाद अगर लेवल सही है या कम पड़ रहा है तो कंक्रीट और मंगाएंगे, कम नहीं पड़ रहा है सही पड़ रहा है तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम ट्रिमी पाइप निकाल देंगे। ट्रिमी पाइप निकालने के बाद फिर हम जो केसिंग डाले हुए हैं पंच की है तो 6 मीटर की, उस केसिंग को भी हम फिर निकाल देंगे और वहाँ हमारा बोर पाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पाइलिंग का पूरा प्रोसेस था, ठीक है। तो यहाँ तक आके हमारी पूरी पाइलिंग कंप्लीट, ये पाइलिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या क्या यूज हुआ, हाइड्रोलिक रिक यूज हुआ और क्रेन यूज हुआ, इसमें हमारा रोल होता है पोकलाइन का भी, ये भी हम बताएंगे क्या क्या मशीनरी यूज होती है। पोकलाइन या जिस भी लगता है जिसको हमको बार बार रास्ता बनाना पड़ता है या केसिंग पंच की है तो वहां पे मिट्टी डालनी पड़ती है तो उसका बहुत रोल होता है, उसके बिना भी काम नहीं होगा। तो मशीनरी भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, क्या क्या मशीनरी यूज होती है, कैसे यूज होती है, क्या यूज होता है उसका। तो ये पाइलिंग का हमारा थ्योरी प्रोसेस था, इसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे साइट का कि कैसे कैसे सब प्रोसेस होता है, एक एक चीज आपको हम दिखाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछें, बाकी हम जो भी प्रोसेस होगा हम आगे बताएंगे, क्या क्या यूज है, बेंटोनाइट कैसे हम मिलाते हैं, क्या करते हैं, सारा प्रोसेस आगे की वीडियो में डलेगा प्रैक्टिकली में। ये हमारा थ्योरी प्रोसेस था कि कैसे कैसे हमारा कंप्लीट होता है। अब एक थ्योरी प्रोसेस आपको और बताएंगे जिसमें हम फ्लशिंग दिखाएंगे, कैसे कैसे फ्लशिंग में क्या क्या चेक करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं, जो भी चेक करते हैं वो कैसे कैसे कितना आना चाहिए, कब तक हम फ्लशिंग स्टार्ट रखेंगे, चलते रहने देंगे, ये सारा प्रोसेस हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए ये इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और इसका फीडबैक जरूर दें कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।